गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर हिंदी बुक अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 के लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, भाषा की बात। इसमें मैंने आपको प्रश्न 1 में बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कुछ संज्ञा शब्द बताए भी थे, इसके अलावा और भी संज्ञा शब्द थे, वो आपको खुद छाटने थे, तो आई होप आपने वो छाट लिए होंगे। उसके बाद कौन था कैसा, इसमें हमने कुछ जो राजा था जंगल का शेर उसकी, और कुछ रानी चीटी की हमने क्या की थी, अच्छाइयां और कोई कमियां थी जो भी, इनकी क्वालिटीज ये कैसे थे ये डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 3 पे। पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। तो आधा स और पूरा स, स ठीक है ना। गुस्सा गुस्सा ऐसे साउंड आ रही है। रस्सी र आधा स और सी, दो बार स की बीच में थोड़ी साउंड और फिर ज्यादा साउंड ऐसे आ रही है। तो और क्या बन सकता है, बनने को तो बहुत कुछ बन सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कस्सी, तो कस्सी भी एक औजार है जिसको हम खेत में यूज करते हैं, ठीक है। तो बनने को कुछ भी बन सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुस्सा रस्सी कस्सी, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लस्सी। ल आधा स और पूरा स, ठीक है, और बड़ी की मात्रा, ठीक है। उसके बाद आधा श और ट, जैसे कष्ट ष्ट, श ट शट, ठीक है ना। कष्ट सृष्टि, और क्या हो सकता है इसमें, जैसे दुष्ट हो गया तो आ जाएगा दू आधा श ट, या फिर कुष्ठ हो सकता है, ठीक है ना, कु आधा श ट, कुछ भी हो सकता है, बस उसमें ये शब्द आना चाहिए, ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। तो दो हो गए, आगे चलते हैं। पहला क्या हुआ, आधा स और स, इससे हमने बनाया गुस्सा रस्सी और लस्सी। दूसरा आधा श और ट, शट, कष्ट सृष्टि दुष्ट, ठीक है, और कुष्ठ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई आपको यही वर्ड बनाना ही है। फिर आ जाता है आधा न और ह, तो नन्हा कान्हा, और क्या हो सकता है, उन्हें हो सकता है, बिल्कुल इजी सा जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उ आधा न और हे, उन्हें, ठीक है ना। उसके बाद प्र, प्रणाम प्रसन्न प्रकोप प्रकार, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रकार, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको शब्द बनाने थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो ये भी हमने, जब हम ग्रामर बुक में थे तो वचन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जहाँ हमें ये पता चले कि ये सिंगल है या ये एक से ज्यादा है, कई हैं, ये संख्या में ज्यादा हैं, तो हम उससे क्या पता लगाते हैं कि इसका वचन कौन सा है, ये एक वचन है या ये बहुवचन है, ठीक है ना। वचन के कितने भेद थे, दो प्रकार थे, एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन या अनेक, ठीक है ना, एक एक वचन, अनेक या बहुवचन। तो यहाँ पे है चींटी, तो ये एक चींटी दिखाई दी हमें, तो हमने लिखा चींटी। जब जैसे हमारे घर में हमने एक चींटी देखी, मम्मी देखो चींटी, हम ऐसे बोलेंगे, और पूरी लाइन दिखाई दी चींटी की, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे मम्मी ये देखो चींटी है, हम बोलेंगे मम्मी ये देखो कितनी सारी चींटियां, है ना। तो यानी कि इससे मम्मी को क्या पता लगा कि चींटी एक नहीं बहुत सारी हैं, चींटियां, ठीक है ना। तो चींटी का बहुवचन क्या हो गया, चींटियां। उसके बाद यहाँ एक रानी है, और जब रानी ज्यादा हो जाएंगी तो बहुवचन क्या बनेगा, रानियां, तो लिखेंगे रा। और जब हम बहुवचन बनाते हैं तो जो बड़ी की मात्रा होती है वो
छोटी ई की बन जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी छोटी की मात्रा और ये आ गया रानिया, ठीक है। अगला है डाली, तो ये एक डाली थी तो हमने डाली लिखा, जब बहुवचन हुआ तो ये क्या बन गई, डालियां, और मात्रा आ जाएगी छोटी ई की, तो डाली य या बिंदी चंद्र बिंदी आएगी, ठीक है ना, डालियां। उसके बाद तितली, तितली एक थी, अब यहाँ एक से ज्यादा है, दो भी होंगी तो भी, और बहुत सारी होंगी तो भी, वो प्लूरल ही माना जाएगा, वो बहुवचन माना जाएगा। सिर्फ अगर संख्या में एक है तो वो एक वचन रहेगा, नहीं तो वो बहुवचन रहेगा, ठीक है ना। तो तितली का क्या हो जाएगा, तितलियां, ती त ली या तितलियां, ठीक है ना। तो आप अपनी नोटबुक में ये करेंगे, अगर आपका मन करे, ड्राइंग अच्छी आती है तो आप ड्राइंग बना भी सकते हैं, और नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पर काम सुंदर होना चाहिए, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, और स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका काम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको नोटबुक में, और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे। बाकी बच्चों से अगर आगे निकलना है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।